भाई यार, भाई ये कितने लाया भाई, चलो भाई चल चल भाई। अतम मोन नहीं गए गाइस, अभी हम आ चुके हैं, बहुत डरावनी जगह है ये, बहुत ज्यादा डरावना प्लेस है। और यहाँ आने के लिए गार्ड से परमिशन लेनी पड़ी थी, उसने बोला कि बाहर बाहर से देख लेना, इसमें जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ है या नहीं है, आ जाओ भाई। ये कब से बंद है ये देख लो आप, इसके ये कब से बंद है, तो मतलब कि ये बंद कर रखा है, मतलब इस पे झाड़ी झुकती हुई पड़ी है, मतलब बिल्कुल बंद है, तो आप समझ सकते हो कब से बंद होगा ये गेट। लगा लो ऊपर तक, देख लो आप ऊपर तक देख सकते हो कि ये पेड़ कैसे छाया हुआ है, इस पे कि कुछ नहीं है। कहां से एंट्री कर रहे हैं, यहां से हमें थोड़ी सी जगह मिली है जाने के लिए। झाड़ी चुकी देखो, हमारे पैर देखो कितने कितने अंदर तक जा रहे हैं, बिल्कुल गाइस। देख सकते हो बहुत ज्यादा ही डरावना सीन है। और देखो गणेश भाई, भाई यार चलो भाई, तुम सच्ची में बता रहा हूँ, और वहाँ पे हमें कुछ लगा तो हम भाग के आए। और ताऊ हमसे, अब ताऊ से पूछे, ताऊ बोल रहे हैं जल्दी कैसे आ गए, तो ताऊ को पूछते हैं क्या था वहाँ पे, क्या है ऐसी चीज़ है, तो गाइस ताऊ खुद बता देंगे। भाई हमने तो पहले कई तम तक जगह मना करी अपन थे, अतम मोन नहीं गए, हालांकि को भूत का परेत का घना कुछ हो गया भाई, अब तुमने देख लिया तुम्हें पता लग जाए कहाँ हुई बात। बस गाइस ये देख लो, अब अंकल जी ने बता दिया, जो यहाँ के रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो उन्होंने बता दिया, फिर भी हम बहुत रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बनाई है, बाकी आगे आपने सब कुछ देख ही लिया भाई हमने तो आप। तो गाइज हम वहाँ से आ चुके हैं, तो वहाँ पे इतनी हॉरर जगह थी वो कि आपको क्या बताएं, कि वहाँ पे जैसे हम आ भी रहे थे ना रास्ते में, तो हम बाइक से गए थे, तो बाइक लेके जैसे आए हैं तो हमें पीछे भी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ साथ कोई चल रहा है। तो गाइज हमारा वहाँ पे रूंग रूंग खड़ा हो गया, बाकी हम आपको वीडियो में देख लेना कि कितनी डरावनी वो थी। और जो हाँ बाकी वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उन्होंने मना किया था, हमने जैसे वीडियो में दिखाया, तो और फिर उनको विश्वास नहीं हुआ हमारे ऊपर कि वो सोच रहे थे भाई कुछ और बात तो नहीं है। फिर हमने अपनी वो भूतिया हवेली जो वीडियो है वो भी बहुत डरावनी है, आप देखना उसको, बहुत खतरनाक है, उसमें बहुत मेहनत की थी, तो आप उसको भी देखना, तो वो वीडियो हमने दिखाई है, तो तब उनको यकीन हुआ कि हाँ भाई ये वीडियो बनाने वाले, वरना बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, हम पीछे से छुप के गए हैं। और जो आपको गेट था वो बिल्कुल आपको दिखाया था जो गेट था, तो उसमें आपने देखा कि वो कैसे बंद था, उसमें पेड़ वेड़ कैसे मतलब वो लटके हुए थे, झाड़ी वगैरह सी, तो आपने वो देखा था। बाकी हम जहाँ से निकल के गए थे वहाँ तार छोटा सा टूटा टूटी हुई जगह थी, बाकी तो भाई आप देख सकते हो हम वीडियो में कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ लेकिन हमारा नया चैनल है और नई नई वीडियो बना रहे हैं, पर भाई हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार भाई दीजिए। एक बात बताओ यार, वो झूला ऐसे कैसे हिली यार इतनी जोर से, मतलब भाई उस भाई बहुत खतरनाक भाई, अभी बात मत कर, अभी भी हम देखो कहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, अभी भी हम ऐसी जगह पे हैं, खेतों में ही हैं, अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई आगे पीछे घूम रहा हो। तो भाई वो झूला
अपने आप हिली थी, हमने कुछ नहीं किया। और जो पेड़ था पता नहीं एकदम हवा सी आई, बस उसी पेड़ को हवा लग रही थी और किसी को नहीं लग रही। मतलब वहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, इतना तो है, 100% थी भाई। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। अब फिर देख सकते हैं यार, रूम रूम खड़ा हो रहा है यार, बहुत हॉरर जगह थी रियली में। तो भाई विष्णु आप बताइए, आपको कैसा लगा था? यार रियली बताऊं तो बहुत डरावना था, ये पूरा धक करने लग गया था ऐसे ऐसे बहुत जोर से, इतनी डरावनी भाई मैंने नहीं देखी। मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था, बस मुझे पता ही नहीं क्या हुआ भाई। भाई का मन तो ऐसे कर रहा था कैमरा फेंक के बस भाग ले यहाँ से, इतना डरावना सीन था भाई रियली में। और एक बात और गाइज, अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या आप वीडियो को पार्ट मतलब वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और कमेंट में करोगे हमसे, कमेंट में बोलोगे कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम दूसरी वीडियो भी नेक्स्ट पार्ट टू भी बना देंगे आपके लिए। बट लेकिन उसमें हम भाई नाइट में नहीं जाएंगे, नाइट में तो बहुत खतरनाक जगह है, हम आपको डे में दिखाएंगे पर पूरी जगह दिखा देंगे रिस्क लेके। पर लेकिन इस वीडियो को प्यार दोगे तो सेकंड पार्ट भी आएगा।